टू एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैश टैग लेसन प्लान अड्डा आज मैं आपके लिए साइंस का लेसन प्लान लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है बल और विषय है साइंस विज्ञान ठीक है तो विज्ञान में जो बल का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसका लेसन प्लान बनाते हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन हु इज़ सपोर्टिंग मी एंड हु वॉचड माई वीडियोज़ थैंक यू थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग मी और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर फ्रीली कमेंट कर सकते हैं सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्य जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है क्या क्या लिखना होता है ठीक है तो वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ आगे हम सामान्य उद्देश्य से देखना स्टार्ट करेंगे सामान्य उद्देश्य में हम पहला लिखेंगे कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना दूसरा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना थर्ड है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना एंड फोर्थ है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य अकॉर्डिंग टू जी टॉपिक आज का टॉपिक हमारा बल है तो विशिष्ट उद्देश्य भी हमारा बल से रिलेटेड ही होगा कि बच्चे बल से फोर्स से क्या सीखेंगे क्लास में तो पहला क्वेश्चन जो है वो सीखेंगे जो बच्चे वो है छात्र बल के बारे में जानेंगे दूसरा छात्र बल के प्रति रुचि पैदा छात्रों में बल के प्रति रुचि उत्पन्न रुचि उत्पन्न करना दूसरा छात्र बल्कि विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे एंड फोर्थ है छात्र अपने आसपास के परिवेश से अपने आसपास के परिवेश के जो वस्तुओं में लगने वाले नेक्स्ट है शिक्षण शिक्षण विधि तो शिक्षण विधि क्या शिक्षण विधि है हमारा व्याख्यांशा प्रदर्शन विधि और दूसरा है प्रयोगात्मक विधि उसके बाद है सेकेंड शिक्षण सहायक सामग्री तो पहला है खल्ली देन छाड़न सैंपट कार्य पुस्तक और चार्ट उसके बाद है छात्रों का पूर्व ज्ञान छात्र बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेसन प्लान का तो आइए देखते हैं कि हम बल किस तरह से बल का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकालेंगे तो पहला क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि हमें अपने आसपास क्या दिखाई देता है तो संभावित उत्तर होगा छात्रों का विभिन्न प्रकार, प्रकार की वस्तुएँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ सेकंड है कि इन वस्तुओं की स्थितियाँ क्या होती है तो बच्चों का उत्तर होगा स्थिति स्थितिज या गतिज ठीक है या तो स्थिर होती है या तो गति की अवस्था में होती है थर्ड है गतिज स्थिति में स्थितिज स्थिति गति गतिज स्थिति को स्थिति स्थिति में लाने के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पे मे के जगह को होगा ठीक है तो क्या करना पड़ता है तो छात्र का संभावित उत्तर होगा बल लगाना पड़ता है तो इस तरह से हमारा बल का टॉपिक निकल आता है उसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम लोग बल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन तो प्रस्तुतिकरण में जो है ना सबसे पहले हम फाइव कॉलम्स बनाते हैं कॉलम्स में आपको पहला लिखना होगा शिक्षण बिंदु उसके बाद छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन देन छात्र क्रियाशीलन श्याम्पट कार्य और मूल्यांकन तो सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु में यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखा हुआ आप लिख लेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है बल ठीक है फोर्स ये आप लिख लेंगे उसके बाद हम छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में लिखेंगे पहले संकेत देंगे और लिखेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगे और एक चार्ट लगा दी और चार्ट में कुछ फिगर्स बना के बल के बल को आप क्या कर सकते हैं शो दिखा सकते हैं ठीक है एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बाद हम व्याख्या लिखेंगे व्याख्या में हम लिखेंगे अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को हम गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है खींचने ढकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया में इसी क्रिया को बल कहा जाता है बल दो प्रकार के होते हैं एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल संतुलित बल के बारे में हम लिखेंगे कि जब पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है इस तरह के बलों को संतुलित बल कहा जाता है असंतुलित बल असंतुलित असंतुलित बल क्या है तो जब विभिन्न जब भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं तो इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करता है तो ये क्या कहलाता है असंतुलित बल कहलाता है उसके बाद हम छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि यहाँ पे चार्ट के बगल में आप लिखिएगा कि छात्र चार्ट को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और व्याख्या के बगल में आप लिखेंगे कि छात्र 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 ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे उसके बाद देखिए श्याम्पट कार्य श्याम्पट कार्य में सबसे पहले आप बड़ा सा हेडिंग डालें हेडिंग में आप लिखेंगे बल ठीक है उसके बाद लिखेंगे कि खींचने ढकेलने या आठ होकर लगने की क्रिया को बल कहा जाता है संतुलित बल संतुलित बल के बारे में लिखेंगे कि जब पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ये क्या होता है संतुलित बल और संतुलित बल में लिखेंगे जब भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं उसके बाद देखें मूल्यांकन मूल्यांकन में जो है हम दो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से इसको पढ़ाने के बाद एंड में क्या क्वेश्चन पूछेंगे पहला आप ये पूछ सकते हैं कि बल क्या होता है दूसरा संतुलित बल किसे कहते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु में गति का प्रथम नियम और छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रियाशीलन में हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न पहला क्वेश्चन है असंतुलित बल किसे कहते हैं दूसरा क्वेश्चन है गति का प्रथम नियम क्या है तो असंतुलित बल क्या किसे कहते हैं तो आपने छात्रों को पढ़ाया है तो वो उसका उत्तर छात्र क्रियाशीलन में लिख देंगे हम उसके बाद गति का प्रथम नियम क्या है तो इसमें बच्चों का उत्तर होगा निरुत्तर उसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि वस्तुओं वस्तुओं को को किसी को किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है गति का प्रथम नियम प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है उदाहरण के लिए जब कोई मोटर कार त्रियव गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं इसे जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कोई बाहरी बल कार्य बल नहीं लगता या कार्य नहीं करता उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में विकासात्मक प्रश्न में आपको लिखना है असंतुलित बल जैसे बताया कि असंतुलित बल बच्चे जानेंगे तो उस वहाँ पे आप लिख दिया असंतुलित बल की परिभाषा उसके बाद गति के प्रथम नियम जो है वो निरुत्तर होगा उसके बाद व्याख्या के बगल में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे एक और पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि छात्र मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे उसके बाद हम लिखेंगे श्याम्पट कार्य श्याम्पट कार्य में हम लिखेंगे गति के प्रथम नियम प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो उदाहरण के लिए किसी पेड़ की शाखा को त्रीवता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है उसके बाद हम मूल्यांकन मूल्यांकन में देखें मूल्यांकन में हम दो प्रश्न फिर पूछेंगे पहला प्रश्न हम पूछेंगे आप इसमें कुछ और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते तो क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि जड़त्व का नियम क्या है और दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि गति का प्रथम नियम क्या है उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है पहला ऑप्शन देंगे हम कि एक रबर की गेंद और उसी आकार का पत्थर दूसरा बी नंबर है एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी एंड सी पाँच रुपये का एक सिक्का एवं एक रुपये का सिक्का दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है में अंतर क्या अंतर है थर्ड है संतुलित बल का एक उदाहरण बताइए एट लास्ट हम गृह कार्य देंगे गृह कार्य देंगे गृह कार्य में हम पहला क्वेश्चन जो है वो देंगे कि किसी पेड़ की शाखा की त्रियुता को हिलाने पर कुछ पत्तियाँ झड़ जाती हैं क्यों उसके बाद है दूसरा सेकंड नंबर कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं ऐसा क्यों ठीक है तो यहाँ पे हमारा बल का जो लेसन प्लान है एंड होता है आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी हो और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो so मच